इस जंगल में जाते ही आपको पेड़ पर लाशें लटकी मिल सकती हैं। जी हाँ, जापान के माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित एओकिगारा फॉरेस्ट इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ लोग सुइसाइड करने आते हैं और दुनिया में ये जगह सुइसाइड करने के लिए फेमस स्पॉट मानी जाती है। ये जंगल इतना घना है कि हर साल यहाँ 3 बार डेड बॉडीज ढूंढने के लिए अभियान चलाया जाता है, लेकिन यहाँ कितनी सुसाइड डेथ्स हुई हैं, ये आज भी एक राज है। OnePlus, Oppo, Vivo, Realme और IQ, ये पांचों ब्रांड्स स्मार्टफोन मार्केट में एक दूसरे से काफी कंपटीशन करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पांचों स्मार्टफोन ब्रांड्स सिर्फ एक ही आदमी के हैं, जिसका नाम डुआन योंगपिंग है, जो मालिक है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के, जिसके अंडर ये पांचों स्मार्टफोन ब्रांड्स आते हैं। और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइनीज कॉरपोरेशन है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। इजिप्ट के ये पिरामिड्स, जिन्हें पिरामिड्स ऑफ गीजा भी कहा जाता है, ये आसमान के दिखने वाले ये 3 तारे जो कि ओरायन बेल्ट पर स्थित हैं, ठीक उन्हीं के सिद्धांत में बने हैं। मतलब ये तीनों पिरामिड्स ठीक उसी जगह पर हैं जिस जगह पर आसमान में ये 3 तारे हैं। रूट पर ट्रैफिक जाम लगना एक आम बात है, लेकिन 13 अगस्त 2010 को चाइना के नेशनल हाईवे 110 पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, जिसमें 100 किलोमीटर तक हजारों गाड़ियां 12 दिनों तक फंसी रही थीं। इस जाम में ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों को एक दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ा पा रहे थे। ये बात है सन 1993 की, जब एक हंगेरियन कंपोजर जिनका नाम रेजियो सेरेस था, उनका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और वो दिन था संडे। उसके बाद वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने एक गाना लिखा अपना दुख बयां करने के लिए, जिसका नाम था ग्लूमी संडे। ये गाना कोई आम गाना नहीं था, बल्कि जब भी लोग इस गाने को सुनते वो सुइसाइड कर लेते थे। एक बार बर्लिन में एक आदमी ने खुद को गोली मार ली ये कहकर कि ये गाना उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा। इस गाने की धुन और लिरिक्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि ये सुनने वाले के दिमाग से निकल नहीं पाते और वो सुइसाइड कर लेते हैं। इसी के चलते इस गाने को बैन कर दिया गया था।